दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना सर्च हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। जो भी आप लोग गूगल में सर्च करते हो वो एक्टिविटी रह जाता है, वो हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हो। तो आप लोग अगर क्रोम में सर्च करते हो तो वही रुक जाता है सर्च हिस्ट्री। तो आप लोग अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी ऑनलाइन पे नेट में आप लोग सर्च करते हो तो वो ऑलरेडी रहता है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करके हिस्ट्री यहाँ पर शो हो रहा होगा जितना भी मैं सर्च किया हूँ। तो इसको हिस्ट्री पर क्लिक करके क्लियर ब्राउजिंग डाटा एंड उसके बाद क्लियर डाटा पर क्लिक करके सर्च हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। तो लेकिन वो हिस्ट्री भी डिलीट परमानेंटली नहीं होता। तो आप लोगों को परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या और क्या करना चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्च हिस्ट्री यानी माई एक्टिविटी डिलीट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा। यहाँ पर सर्च बार पर टाइप करना है माई एक्टिविटी। माई एक्टिविटी जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर वाला लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर वेलकम टू माय एक्टिविटी यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर माय गूगल एक्टिविटी आ गया है। जितना भी आप लोग गूगल पे एक्टिविटी सर्च किए हो, जितना भी आप लोग सर्च किए यानी किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा भी गूगल पे सर्च किए हो तो वो यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टूडे का जितना भी देखो, सुबह में 9:50 पर गूगल पे मैं सर्च किया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर प्ले स्टोर पर भी गया था। पेमेंट कार्ड भी मैं पेमेंट कार्ड नंबर को भी सर्च किया था, रैंडम क्रेडिट नंबर को। उसके बाद यहाँ पर ट्रू कलर को भी मैं सर्च किया था। यहाँ पर जितना भी आप लोगों को शो हो रहा होगा यहाँ पर सब सुबह से मैं सर्च किया हूँ। तो उसके बाद आता है कल वाला। यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है, देख सकते हो यस्टरडे मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च किया था, क्रोम ब्राउज़र पर एंड्रॉयड कैलकुलेटर में मारा था। तो आप लोग इसे आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो टुडे लिखा हुआ है यहाँ पर देखो डिलीट। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का डिलीट हो जाएगा। फिर से हम लोग कल वाला यस्टरडे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर डिलीट बटन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट कंप्लीट लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गो इट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप लोग डिलीट कर सकते हो। आप लोग सर्च हिस्ट्री में जाके डिलीट मत करो। अगर डिलीट करते हो तो भी वो सर्च हिस्ट्री आप यहाँ पर दिखाई देगा, आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग आके डिलीट हो कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर मार कर जाना। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह नई वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।